झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए आई बुरी खबर। झारखंड में सरकारी नौकरी करना है तो हर हाल में तंबाकू सेवन नहीं करने का देना पड़ेगा शपथ पत्र। जहां तंबाकू पदार्थ बिकेंगे वहां खाद्य पदार्थ नहीं बिकेंगे। झारखंड में अगर कोई भी सरकारी नौकरी करनी है तो तंबाकू सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और राज्य में अब बिना लाइसेंस के पान सिगरेट और तंबाकू पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ सख्ती की जाएगी। साथ ही जिन दुकानों में तंबाकू पदार्थ बेचे जाएंगे वहां बिस्कुट, चाय या अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठक कर इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, विरोध में दुकानदारों ने किया सड़क जाम। साक्षी बाजार में बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीओ नीतीश कुमार सिंह, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एडीएम नंदकिशोर लाल के नेतृत्व में चले इस अभियान में कई फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले के सामानों को जब्त कर लिया गया। साथ ही बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों को भी फटकार लगाई गई। इधर इस कार्रवाई के खिलाफ दुकानदार आक्रोशित हो गए और साक्षी गोल चक्कर को जाम कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद दुकानदारों ने सड़क को जाम मुक्त कर दिया। बिहार झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ सस्ता, जाने किस राज्य में सबसे कम कीमत है। देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 95 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 40,000 से कम आए हैं। देश में कोरोना के जांच में भी दिन व दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस बीच दिल्ली, यूपी और देश के तमाम राज्यों के बाद अब ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस के सबसे सटीक आरटीपीसीआर टेस्ट को सस्ता कर दिया है। यह खबर है रांची से। प्रति क्विंटल 102.50 रुपया बेचने के लिए धान अधिप्राप्ति पर रोक, झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव बोले। झारखंड के कई जिलों में धान की फसल खलिहान में पहुंच चुकी है। किसान जल्द से जल्द अपनी फसल बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने 102.50 रुपया प्रति क्विंटल बचाने के लिए धान की खरीद पर रोक लगा दी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि गीला धान खरीदने से खजाने को नुकसान होगा या सरकारी खजाने के साथ बेईमानी करने जैसा होगा। रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव, भीड़ बना कारण। रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस संबंध में सूची जारी कर दी है। यह बदलाव 30 दिसंबर के लिए है। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए टाइमिंग में आशंकित बदलाव किया गया है। बुधवार से सभी ट्रेन नई समय सारणी के मुताबिक ही चलेगी। इसमें बिहार, बंगाल और यशवंतपुर की ओर जाने वाले सभी ट्रेनें शामिल है। यह खबर है धनबाद से। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में PLFI के नाम पर कारोबारियों से मांगी रंगदारी, जांच में जुट गई है पुलिस। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में 4 कारोबारियों से फोन पर 50-50 लाख की रंगदारी मांग की गई है। नक्सली संगठन PLFI के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारियों ने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच में जुट गई है। धनबाद SSP ने कहा कि रंगदारी मांगने वाले जल्द ही शिकंजे में होंगे। टाटा स्टील को कोरोना वैक्सीन का इंतजार, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को दी जाएगी वैक्सीन। यह खबर है जमशेदपुर से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हर किसी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। सभी को निगाहें वैक्सीन पर टिकी हुई है। टाटा स्टील को भी कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वैक्सीन का वितरण कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के बीच किया जाएगा। यह खबर है हजारीबाग से। बड़का गांव प्रखंड में 1670 है दिव्यांग, पेंशन मिलने में होती है परेशानी। हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। इस साल में 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाएगा। इन दिन विश्व के दिव्यांगों के कल्याण संबंधी बातें पर चर्चा होती है
और उसे लागू करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन इससे ठीक उलट झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र के कई दिव्यांग आज भी अपने जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं। कई दिव्यांगों को पेंशन तक रुका हुआ है। यह खबर है देवघर से। बिना सूचना दिए बिजली बिल का लिया जा रहा है जुर्माना। जिला अध्यक्ष रीता देवी ने कहा कि बिजली विभाग की कार्य संस्कृति से विद्युत उपभोक्ताओं में आक्रोश गहराने लगा है। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिना किसी मनमानी पर अंकुश लगाए अन्यथा उपभोक्ता सड़क पर उतरने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों पूर्व दादा परदादा के नाम से बिजली का कनेक्शन लिया गया था जो वर्षों पूर्व बंद हो चुका है। बिजली विभाग ने बिल अदाई की गई कभी पूर्व में किसी तरह की सूचना नहीं दी, न ही बिल अदाई के लिए किसी तरह का पहल की। जो उपभोक्ता इस दुनिया में नहीं रहे उनके वंशज पर बिना बिल भुगतान करने का सूचना दिए जुर्माना लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। गरीब असहाय किसान आदि कहते हैं कि इस तरह की धांधली अंग्रेज जमाने में भी नहीं होती थी। विभाग की मनमानी से उनमें आक्रोश गहराने लगा है। खबर अब देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, लगवाएंगे कोविड वैक्सीन का पहला टीका। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड वैक्सीन का पहला टीका वे लगवाएंगे। उन्होंने कल ऐलान किया है कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद की एक बार मंजूरी मिलने पर पंजाब में वैक्सीन का पहला टीका वे लगवाएंगे। भोपाल गैस पीड़िता में मोटापा और थायराइड की समस्या दुगुना से अधिक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1984 में हुए गैस हादसे के दुष्प्रभाव अभी भी लोगों को नजर आ रहे हैं। इन पीड़ितों में मोटापा और थायराइड की बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 36वीं बरसी के मौके पर संभावना ट्रस्ट क्लिनिक के सदस्यों ने आंकड़ों के अध्ययन में पाया कि हादसे के पीड़ितों में सामान्य से अधिक मोटापा और थायराइड की समस्या बढ़ी है। खुल गया कालिंदी कुंज बॉर्डर, किसानों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री, आंदोलन रहेगा जारी। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानून के खिलाफ किसानों को आंदोलन जारी है। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। किसान दिल्ली के सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हुए हैं और प्रदर्शन की तैयारी में है, जिसके चलते बुधवार की सुबह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिया था। हालांकि शाम होते हुए कालिंदा कुंज बॉर्डर को खोल दिया गया। जापान में उठी कोरोना की नई लहर, पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा। उगते सूरज के देश जापान में कोरोना अस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जापान की सरकार अब अपने सारे काम छोड़कर कोरोना की नई और ज्यादा जानलेवा लहर को रोकने की रणनीति बनाने में लग गई है। इस समय जापान के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सर्दियों में यहां पर कोरोना की ये लहर भयानक स्थिति लेकर आएगी। यहां के लोगों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। किसान आंदोलन के बीच MSP पर अब तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के धान की खरीद। सबसे अधिक पंजाब से 63.76% की खरीदारी। नए कृषि कानून आपस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच MSP पर धान की खरीद जारी है। मोदी सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान MSP पर अब तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर 318 लाख टन धान की खरीद की है। यह पिछले साल की तुलना में 19% अधिक है। मोदी राज में GST कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के मोर्चे तक एक बार फिर अच्छी खबर मिली है। GST कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। GST संग्रह नवंबर में 1,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST संग्रह लगातार दूसरे महीने तक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रही। नवंबर में GST की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई है, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% की वृद्धि हुई है। मुंबई में योगी का ऐलान, लखनऊ में नए युग की शुरुआत, अब यहां की बारी। प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कहा कि अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई है।
पत्रकारों से वार्ता के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों को जीवन स्तर में विकास उन्हें विकास के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सतत काम कर रहा है। ये है दुनिया के 7 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का विक्रमादित्य भी है इनमें। दुनिया के 7 ताकतवर विमानवाहक पोतों के बारे में भारत का युद्ध पोत INS विक्रमादित्य भी दुनिया के शक्तिशाली युद्ध पोत में शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, जाति आधारित नामों वाली आवासीय कॉलोनियों के बदले जाएंगे नाम। महाराष्ट्र कैबिनेट में बुधवार को उस प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई, जिसमें उन सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने की बात कही गई थी जिनके नाम जातियों पर आधारित है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि दिसंबर 2019 तक राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों और आंदोलन से संबंधित सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र इस बार मुंबई के स्थान पर नागपुर में आयोजित किया जाएगा। CSE का बड़ा खुलासा, शहद की शुद्धता में चीन की सेंध, डाबर, पतंजलि, झंडू समेत सभी ब्रांड में मिलावट। शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। इसकी शुद्धता का उल्लेखनीय आयुर्वेद में भी किया गया है और इसे अमृत तुल्य माना गया है। शहद को सबसे ज्यादा शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से तैयार किया गया है पदार्थ है, लेकिन अब इस शहद में भी जबरदस्त तरीके से मिलावट हो रही है और इसमें चीन का हाथ होने की बात सामने आई है। इस मिलावट का खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड द एनवायरमेंट यानी CSE ने किया है। अगर आप शादी करने वाले हैं तो होम लोन पर सरकार दे रही है 2.67 लाख रुपए का फायदा। अभी शादियों का सीजन है, अगर आप भी शादी करने वाले हैं और इसके बाद घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जरा गौर से पढ़नी चाहिए। मिडिल क्लास जिंदगी में बड़ी मुश्किलें एक घर खरीदने का है पता है, इसलिए जरूरी है कि आप इसकी तैयारी पहले से कर लें। आपकी गाड़ी के लिए आ गया नया पेट्रोल, देखिए क्या होगा फायदा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश में पहला लग्जरी गाड़ियों के लिए 100 वाक्टेन पेट्रोल को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये पेट्रोल दिल्ली NCR सहित देश के 10 शहरों को चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बाजार में इस तरह का उच्च ईंधन वाला ईंधन उपलब्ध है। इस तरह का पेट्रोल केवल 6 देशों में उपलब्ध है, भारत 7वां देश बन गया है। 6 देश में केवल अमेरिका, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल शामिल है। सोना 48,000 के पार, चांदी में भी 1280 रुपए का उछाल। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातु की कीमतों में तेजी से के अनुरूप दिल्ली सरफरा बाजार में बुधवार को सोना 675 रुपए के तेजी के साथ 48,169 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें 11वें दिन में 10वीं बार बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमतें में कल 11वें दिन 10वीं बार बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम कल 15 पैसे बढ़े हैं जबकि डीजल 23 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव कल 82.34 रुपए प्रति लीटर था तो आज बढ़कर 82.49 रुपए प्रति लीटर हो गया। अब खबर खेल जगत से, जीत के बाद विराट कोहली ने इन खिलाड़ियों को तारीफ से बड़े कसीदे बताई जीत की असली वजह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में हारने के बाद तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने शानदार वापसी की है। आखिरी वनडे में भारतीय टीम ने कंगारुओं को 13 रनों से शिकस्त दी है और क्लीन स्वीप होने से खुद को बचाया है। कोहली ने इस मैच में 63 रनों की पारी खेली लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत लड़खड़ाती दिख रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 92 और रविंद्र जडेजा ने 66 रनों की पारी खेली और 150 रनों की साझेदारी कर टीम को 302 को पहुंचा दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।